बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पटना पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची के बीच चलाई जानी है। हालांकि ट्रेन का परिचालन कब शुरू होगा इसकी जानकारी रेलवे की तरफ से नहीं दी गई। वहीं पटना पहुंचने पर वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए पटना जंक्शन पर यात्रियों में काफी उत्सुकता देखने को मिली है। तो पटना से रांची के बीच दौड़ेगी ये ट्रेन और लोगों की देखने यानी लोग देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच गए वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर। अब यहां पर इस पटरी पर ये दौड़ती हुई दिखाई देगी। ये गाड़ी का उद्घाटन का भी कुछ डेट अभी फिक्स हुआ नहीं है, वो आपको अपडेट तो मिल ही जाएगा। अंदर पूरा सीसीटीवी से पूरा सुसज्जित है और एफडीएस भी इसमें है, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम जो रहता है वो सब इसमें है। और अभी जो बालासोर में इंसिडेंट हुआ है उसको वायरिंग के लिए बोल रहे हैं कवच, इसमें कवच लगा हुआ है लेकिन ट्रैक पे जब लगेगी तब ये एक्टिव होगा। इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। बिहार के लिए पहला ट्रेन होगा। देश के कई राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जा रहे हैं। कई खासियत है इस ट्रेन के अंदर और आम ट्रेन से ये काफ़ी अलग है। इसकी सीट की बात कर लें, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें या तमाम तरह की सुविधाओं की बात कर लें, ये उन सभी ट्रेनों से अलग है। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की लागत की बात करें तो 115 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसकी लागत है। बुलेट ट्रेन से तेज पिकअप है। 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार वंदे भारत पकड़ लेती है। देश के कई हिस्सों में वंदे भारत एक्सप्रेस को केंद्र सरकार के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है और अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस पटना पहुंच चुका है। पटना से रांची के लिए चलाई जानी है और काफ़ी कम समय में लंबी दूरी तय करेगी ये प्रीमियम ट्रेन। और तमाम जो सुविधाएं हैं इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस ट्रेन के दरवाजे ट्रेन के चालक के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे, यानी इस ट्रेन में दरवाजों से गिरकर किसी भी तरह की एक्सीडेंट की संभावना 9 के बराबर है। और वहीं अगर बात करें तो स्पीड भी इस ट्रेन की काफ़ी है। अब ऐसे में पटना वासियों को जल्द ही रांची जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस दे दिया जाएगा। पटनावासी वंदे भारत एक्सप्रेस का लुत्फ भी उठा सकेंगे और रांची की जो दूरी है वो काफ़ी कम समय में तय की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ सनी न्यूज़ सेट पटना।